हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम है आप लोग का अंकित गुप्ता जी, राहुल कुमार जी, हरभजन सिंह जी, खुशबू एन पूजा जी, रोशन कुमार जी, पिंटू कुमार जी, रवि कुमार जी, विपिन कुमार जी, सब लोग का स्वागत है। शुरू किया जाए पूछताछ। चलिए शुरू करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पांच जून को। बिल्कुल सही जवाब है, विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र एवं शिक्षण परिषद कहाँ स्थित है? भारतीय वन अनुसंधान केंद्र एवं शिक्षण परिषद देहरादून स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है। पेरिफेरा संघ के जंतु कहाँ पाए जाते हैं? खारे जल में। अंकित गुप्ता जी आपसे प्रश्न है, झींगा किस श्रेणी के हैं, किस संघ के प्राणी हैं? ऑर्थोपोडा, बिल्कुल सही जवाब है। डायनासोर किस युग में थे? मीसोजोइक युग में। ठीक है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? ठीक है, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है? क्या ब्लड के किस भाग से होता है? इरेप्सिन हार्मोन। आप इरेप्सिन क्या बोल रहे थे? आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है? लाल रक्त कण में सामान्यतः क्या नहीं पाया जाता है? अपवाद में कौन है? ठीक है, WBC में न्यूट्रोफिल्स लगभग कितने प्रतिशत होते हैं? ठीक है, रक्त में पाए जाने वाले ग्लाइको प्रोटीन को क्या कहते हैं? जी ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। भोजन को अम्लीय से क्षारीय कौन बनाता है? बिल्कुल सही जवाब है। छोटी आंत के किस भाग से 5 प्रकार के आंतरिक रस निकलता है?
ठीक है। भोजन में वसा की कमी होने पर यकृत जो है किसके कुछ भाग को वसा में बदल देता है? ठीक है। मनुष्य के एक जबड़े में कितने दांत होते हैं? व्यस्क मनुष्य के ना। हृदय का वजन भार लगभग कितना होता है? 1 किलो की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाना किसका कार्य है? कोरोनरी धमनी ना। सामान्य मनुष्य के रक्त दाब में सिस्टोलिक कितना होता है? 1 किलो लसीका किस तरफ बहती है? मैंने कहां से कहां? उत्तक से हृदय की ओर। मनुष्य के शरीर में छनने का काम कौन करता है? लिम्फ नोड। चलिए आपसे हो गया। अंकित गुप्ता दूसरा नंबर पर है। हरभजन सिंह आपको याद है? हरभजन जी आपको याद है? माइक आप अपना ऑन कीजिए। नहीं याद है। खुशबू जी आप आइए लाइन पर। फेफड़े से बाएं आलिंग में रक्त को पहुंचाना किसका कार्य है? ठीक है। एक हार्ट बीट में लगभग कितना रक्त पंप होता है? ठीक है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य का हृदय कितने चैंबर में बटा होता है? धमनी में किस प्रकार का रक्त बहता है? इंसुलिन किस सेल से निकलती है? मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां होती है? ठीक है। प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैले अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करने का कार्य किसका है? और कोई? ठीक है। जीभ के किस भाग से खट्टा का अभाव होता है? ठीक है। अमाशय में शेष जीवाणुओं को नष्ट कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ना। ठीक है। सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं?
यूनिवर्सल रिसिप्टर जिसमें एंटीजन ए एवं बी दोनों होता है, उसमें एंटीबॉडी कौन सा होता है, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ठीक है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, कब? पूजा जी आप लाइन पर आइए। रक्त का पीएच मान कितना होता है महिलाओं में पुरुष की अपेक्षा, कितना कम रक्त होता है? 1.5 लीटर, आधा लीटर। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 1.5 साल। ऐसे सामान्यतः लाल रक्त कण में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन वह कौन से है जिसके लाल रक्त कण में केंद्रक होता है? लामा। शरीर की कोशिका में O2 पहुंचाना और CO2 को वापस लाना किसका कार्य है? प्रोटोजोआ एवं एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का संक्रमण मनुष्य में लगभग कितने वर्षों तक बना रहता है? 1 मच्छर किस संघ के प्राणी? केचुआ। ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड कहाँ है? ठीक है, वायु प्रदूषण में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है? नहीं, मस्तिष्क। सेकेंडरी कंज्यूमर का एक उदाहरण बताइए। इकोलॉजी क्या है? जीव और उसके उससे संबंधित वातावरण के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं ना। जैंथोमोनास सिट्रिस नामक बैक्टीरिया से कौन सा फसल बर्बाद होता है, माने कौन सा प्रभावित होता है, कौन चीज? ठीक है, तो कौन सा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है? पपीता का खाने वाला भाग। प्रकाश संश्लेषण का दर सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होता है? चलिए अब अगला है, पिंटू याद है आपको? माइक ऑन ही नहीं करना सुरभिराज। हाँ बोलिए पिंटू, याद है? माइक तो ऑन कर लिए, बोलिए। चलिए सुरभिराज आइए।
पिंटू आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होती है? जोर से बोलिए। ठीक है, मटर के जड़ में किस प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं? विषाणु की खोज किसने की थी? शुक्र जनन में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कितने प्रकार के शुक्राणु बनते हैं? क्या बोले आप, नहीं समझ। शुक्र जनन में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कितने प्रकार के शुक्राणु बनते हैं? अरे पुरुष में कितने प्रकार के जीन पाए गए? प्याज में गुणसूत्र की संख्या? कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था कौन सी है? हड्डी तोड़ बुखार के नाम से किसे जाना जाता है? बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? मरास्मस क्वार्सियोलकर। ठीक है, फिलोसफिकल फिलोसफिक जियोलॉजी किसकी पुस्तक है? कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा था? कब? चलिए अब अगला है राहुल यादव। किसने बतलाया था कि नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका के विभाजन से होता है? और कोई? कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका में दोहरी झिल्ली से क्या घिरा रहता है? नहीं, और कोई? जीवाणु की कोशिका भित्ति, जीवाणु के कोशिका की कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है? पेप्टिडोगलकन। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म को कितने भागों में बांटा गया है? कौन कौन? जीव द्रव, हिंदी में जीव द्रव। कौन कौन बांटा गया है? पढ़ाई अब नहीं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में कितना प्रतिशत जल होता है? और कोई?
तुमको छोड़ के बाकी सबको याद है। तुम कौन चक्कर में भी रह रहा है रे राहुल? तो अब चक्कर छोड़ो, अब पढ़ाई करो रे। 2 दिन ना पढ़ेगा तो भूल जाएगा। तुमसे पूछना भी बेकार है यार, कोई पढ़वे नहीं किया है तो। विवेक तुमको याद है पिछला सब? शुरू से याद नहीं, जहां से तुम लिखा है वहां से याद है ना? कहां से लिखा है बोलो? कल ही लिखा था। तो लिंक तो भेजवे किए थे ग्रुप में। और कौन है? सुजीत जी ना? सुजीत कहाँ है? इसमें नहीं है। चलिए लिखिए। कॉपी कलम निकाल लीजिए। दिल थाम के बैठिए। कहां तक बतला दिए थे? हुआ लेकिन मनुष्य में प्रमुख उपसर्जी अंग कितने हैं? मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कितने हैं? चार। पहला किडनी, ब्रिक, हिंदी हो जाता है ब्रिक। पहला किडनी लिख लिए। दूसरा स्किन, त्वचा। तीसरा लीवर, हिंदी में यकृत। चौथा लंग्स, फेफड़ा। मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में, मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में कितने किडनी होते हैं? आंसर एक जो है, मतलब दो। लिखिए किडनी का वजन कितना होता है? किडनी का वजन कितना होता है? आंसर लिख लीजिए 140 ग्राम। किडनी के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? किडनी के बाहरी भाग को क्या कहते हैं?
आंसर हो जाएगा कोर्टेक्स, CORTEX। आंसर हो जाएगा कोर्टेक्स। किडनी में मेडुला क्या होता है? MEDULLA। किडनी में मेडुला क्या होता है? MEDULLA। आंसर हो जाएगा किडनी का भीतरी भाग। प्रत्येक किडनी लगभग कितने ब्रीक नलिकाओं से मिलकर बना होता है? प्रत्येक किडनी लगभग कितने ब्रीक नलिकाओं से मिलकर बना होता है? एक करोड़ 30 लाख, 1/3/6। एक करोड़ 30 लाख। इस ब्रिक नलिकाओं को क्या कहते हैं? इस ब्रिक नलिकाओं को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन। किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? इसका भी आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। लिखिए तो, किडनी का प्रमुख कार्य क्या है? किडनी का प्रमुख कार्य क्या है? रक्त के, आंसर हो जाएगा रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध बनाना। आंसर हो जाएगा रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध बनाना।
माइक ऑफ करो विक्की, लिखो। किडनी में प्रति मिनट औसतन, किडनी में प्रति मिनट औसतन कितने ब्लड का फिल्टराइजेशन होता है, कितने ब्लड फिल्टर्ड होता है, फिल्ट्रेट, निष्पंद, FILTRATE, फिल्ट्रेट, कितने ब्लड फिल्ट्रेट होता है। आंसर हो जाएगा 125 ml। अर्थात दिन भर में 180 लीटर फिल्ट्रेट होता है, अर्थात दिन भर में 180 लीटर फिल्ट्रेट होता है। अगला प्रश्न लिखिए। तो सामान्य मनुष्य में प्रतिदिन कितना यूरिन बनता है, सामान्य मनुष्य में प्रतिदिन कितना यूरिन बनता है। वन पॉइंट फोर फाइव लीटर। सामान्य यूरिन में कितना प्रतिशत जल होता है, आंसर हो जाएगा 95%। अब नीचे लिख लीजिए जल, जल हाइफन 95%, लवण टबर की में लवण 2%, यूरिया यूरिया 2.7%, यूरिक अम्ल 0.3%, यूरिक अम्ल 0.3%। यूरिन का कलर यूरिन का रंग हल्का पीला किसके कारण हो जाता है। आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम।
आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम। यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? हीमोग्लोबिन के विखंडन से। हीमोग्लोबिन के विखंडन से। यूरिन का पीएच मान क्या होता है? यूरिन का पीएच मान क्या होता है? 6। किडनी से नाइट्रोजनी पदार्थ के अलावे किडनी से नाइट्रोजनी पदार्थ के अलावे और किसका उत्सर्जन होता है? पेनिसिलिन और कुछ मसालों का। आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन और कुछ मसालों का। किडनी में बनने वाली पथरी किस चीज का बना होता है? किडनी में बनने वाली पथरी किस चीज का बना होता है? आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीलेट। कैल्शियम ऑक्सीलेट। त्वचा में पाए जाने वाली त्वचा में पाए जाने वाली तैलीय ग्रंथियां किसका श्रवण करती है? किसका श्रवण करती है माने किस चीज को निकालती है? आंसर हो जाएगा सीबम। सीबम का
निबम, निकली है त्वचा में त्वचा के किस भाग से पसीने का श्रवण होता है, मतलब किस से पसीना निकलता है? श्वेत ग्रंथिया से, श्वेत ग्रंथिया से, लेकिन आवश्यकता से अधिक अमीनोम आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल तथा रुधिर की अमोनिया को यूरिया में कौन परिवर्तित करता है? आंसर हो जाएगा लीवर। फेफड़ा किन किन चीजों का उत्सर्जन करता है? लंग्स किन किन चीजों का उत्सर्जन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का, लहसुन प्याज और कुछ मसाले, जिसमें वाष्पशील घटक होते हैं, का उत्सर्जन कौन करता है? आंसर हो जाएगा लंग्स, फेफड़ा।
मनुष्य का मस्तिष्क किसमें बंद रहता है? मनुष्य का मस्तिष्क किसमें बंद रहता है? आंसर हो जाएगा क्रेनियम। मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ईईजी का, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ। मनुष्य के मस्तिष्क को बाहरी आघात से कौन सुरक्षित रखता है? मनुष्य के मस्तिष्क को बाहरी आघात से कौन सुरक्षित रखता है? आंसर हो जाएगा क्रेनियम। क्रेनियम लिख लिए आंसर। अगला है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? चौदह सौ ग्राम लिख लिए। मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग क्या कहलाता है? मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग क्या कहलाता है? मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। सेरिब्रम। अगला लिखिए, थैलमस का क्या कार्य है? दर्द, ठंडा तथा गर्म को पहचानने का कार्य कौन करता है? थैलमस। थैलमस का क्या कार्य है? तो यह दर्द, ठंडा और गर्म को पहचानने का कार्य करता है।
संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? कितना बोलिए, संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस। लिखिए भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा, इन सभी का केंद्र किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस को हो गया। चलिए 30 कंप्लीट, अब विदा लेते हैं। नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद। नीरज को फोन करके मांग लेना।